गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझने से पहले हम रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है। मतलब जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबके पास एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है जिसके थ्रू वो अपनी जैसे और ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकें, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब जो अपने ह्यूमंस के अंदर होता है, फिर मैमल्स के अंदर होता है, एक बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें मेल क्या करता है, स्पर्म्स को सिक्रीट करता है और फीमेल क्या करती है, एग सेल्स को बनाती है। ठीक है, फिर इन दोनों का आपस में फर्टिलाइजेशन होता है जिससे जायगोट बनता है और न्यू बॉर्न का बर्थ होता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो अब देखिए एक वर्ड होता है प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी क्या होती है, द रिप्रोडक्टिव सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप्स इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ लाइफ कॉल्ड प्यूबर्टी। एक ऐसी स्टेज है जिसमें बॉय में और गर्ल में विजिबल कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं कि आप दूर से देख करके बता सकते हैं कि जो सामने जो आ रहा है वो बॉय है या फिर गर्ल है। ठीक है, उनके कुछ कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं अब देखते हैं। बॉयज़ में जो हैं, वॉइस हैवी, डेवलपमेंट ऑफ मस्टैच यानी मूछे वगैरह, दाढ़ी वगैरह आना, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर्स, जेनिटल ऑर्गन्स, अंडर आर्म्स, ऑयलनेस ऑफ स्किन, ये बॉयज़ के अंदर देखने को मिलती है। अब ऐसे ही फीमेल्स में आपको क्या देखने को मिलता है, ब्रेस्ट का साइज, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाना, स्किन की ऑयलनेस, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर्स, जेनिटल ऑर्गन्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारी की सारी चीज़ें गर्ल्स में देखने को मिलती है। अब जो जो एज है प्यूबर्टी की वो गर्ल्स में होती है 12 से 14, ठीक है, और मेल्स में होती है 13 से 15 की। ठीक है, और जनरली 18 से 19 साल की एज तक जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है दोनों में, गर्ल्स में और बॉयज़ में, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अगर ड्यूरिंग दिस पीरियड अ ह्यूमन बिगिन बीइंग अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज सेंसेशन एंड हिज इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल लेवल, यानी कि जब प्यूबर्टी हिट कर रही होती है तो जो ह्यूमन बीइंग है, गर्ल और बॉय, एक बहुत बड़े ड्रेस्टिक चेंजेस के अंदर जाते हैं। ठीक है, उसमें आपको बता दी किस प्रकार के चेंज होते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं। जो मेल के अंदर जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, और जो फीमेल्स के अंदर होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यही वो हार्मोन है जिसकी वजह से मेल एक मेल की तरह बिहेव करता है, फीमेल फीमेल्स की तरह बिहेव करते हैं। अब हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, देखिए, दे आर द ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस सेक्स सेल्स और गैमिट्स, दे ऑल्सो सिक्रीट सम हार्मोन्स, दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड गोनेट्स। ये वो ऑर्गन्स हैं जो क्या करते हैं, सेक्स सेल्स और गैमिट्स को बनाने का काम करते हैं, कि स्पर्म्स को बनाने का काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं गोनेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो मेल के गोनेट्स का क्या नाम है, टेस्टिस। एक पेयर पाउच में पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस क्या करते हैं, स्पर्म को बनाने का काम करते हैं। टेस्टिस एक पाउच टाइप के, टेस्टिस पाउच में पाए जाते हैं, टेस्टिस एक पाउच में पाए जाते हैं जिस पाउच को हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉटम बोलते हैं। उस स्क्रॉटम में दो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलते हैं। अब सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देखिए सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ऑल द ऑर्गन्स अदर देन द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी प्राइमरी को छोड़ करके जो भी ऑर्गन्स बच गए हैं वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। ठीक है, अब उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, जैसे कि स्क्रॉटम, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकल, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर यूरेथ्रा और पीनिस, ये सारे के सारे मिलकर के सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं। देखिए आप फिगर में देख सकते हैं, ये फिगर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, आपको उसमें सेमिनल वेसाइकल दिख रहा है, यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रही है, वास डिफरेंस दिख रहे हैं, पीनिस दिख रहा है, यूरेथ्रा और स्क्रॉटम, टेस्टिस और एपिडिडाइमिस। ठीक है, ये सारी सारी चीज़ें देखते हैं। तो हम पढ़ते हैं स्क्रॉटम के बारे में। देखिए स्क्रॉटम क्या है, जैसे डायग्राम देख सकते हैं, एक पाउच जैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जैसे थैला भी हम समझ सकते हैं, जो क्या करता है, बॉडी से बाहर आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके बाहर, यानी बॉडी के बाहर की तरफ होते हैं, हैंग आउट करते हैं। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उसका कम हो जाएगा, और जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्या करती है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है, टेस्टिस के पेयर को सेट रखती है। फिर है वास डिफरेंस के बारे में, देखिए वास डिफरेंस आपको डायग्राम में दिखा देते हैं, जी वास डिफरेंस का डायग्राम है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस से निकल करके कहाँ जा रही है, आपके ब्लैडर की नीचे की तरफ आके जुड़ रही है, जो बाद में सेमिनल वेसाइकल से भी जुड़ रही है। देखिए वास डिफरेंस क्या करते हैं, वास डिफरेंस एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कॉमन फॉर्म है किसकी, इसमें से स्पर्म्स ट्रैवल करते हैं टेस्टिस के थ्रू, क्या ट्रैवल करते हैं,
स्पर्म ट्रैवल करते हैं और आगे जाकर के कॉमन पाथ बनाती है, किसके लिए, स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए, फिर दोनों एक कॉमन पाथ से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ठीक है। वन डक्ट कैरी स्पर्म फ्रॉम ईच ऑफ द टेस्टिस। देखिए आपको इसमें एक डक्ट दिख रही है लेकिन ये दो होती है, ठीक है, दोनों टेस्टिस से जुड़ी होती हैं, दोनों टेस्टिस से डक्ट जुड़ी होती हैं, सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल जो कि दोनों तरफ से स्पर्म्स को लेके आने का काम करते हैं। ठीक है, और एक किससे जाकर जुड़ जाती है, राइट एजैकुलेटरी डक्ट से आकर जुड़ जाती है। अब वास्ट डिफरेंस हो गया। अब सेमिनल वेसिकल देखिए डायग्राम में, ये रहा सेमिनल वेसिकल। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, जो वास्ट डिफरेंस की जो डक्ट कहाँ पे ओपन होती है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। अब दोनों यहाँ से जुड़ करके एक अलग से डक्ट बनाती है। ठीक है, ये पाउच क्या करता है, ये स्पर्म्स को स्टोर करता है एजैकुलेशन के लिए। ठीक है, स्पर्म्स को स्टोर कर लिया। अब सेमिनल वेसिकल क्या करता है, एक लिक्विड बनाता है। ठीक है, उस लिक्विड से सीमन का फॉर्मेशन होता है। सीमन क्या करता है, स्पर्म को नरिशमेंट देता है और उनको मूवमेंट में हेल्प करता है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड, देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड आपको डायग्राम में वापस से दिखा देते हैं। देखिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये रही। ठीक है, तो ये आपके डायग्राम में आपने देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का क्या लिक्विड बनाती है, क्या बनाती है, लिक्विड बनाती है जो कि सीमन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और ये लिक्विड भी स्पर्म्स को मोशन प्रोवाइड करता है। ये एक वॉलनट यानी अखरोट जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो ब्लड में अपने सिक्रीशंस को नहीं छोड़ते। ठीक है, अब अपना अगला पार्ट है यूरिथ्रा। देखिए डायग्राम में आपको यूरिथ्रा दिखा देते हैं, ये आपका डायग्राम आ गया। देखिए ये यूरिथ्रा है। ठीक है, यूरिथ्रा कौन सा पोर्शन है जहाँ से यूरिन बाहर निकाला जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन बोल। ठीक है, यूरिथ्रा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो ब्लैडर से जुड़ी होती है और साथ में इजैकुलेटरी वेसल से भी जुड़ी होती है, जिससे यूरिनोजेनाइटिक कैनाल बनती है। यूरिथ्रा के थ्रू देखिए क्या क्या बाहर आ जाता है, यूरिन बाहर आ जाता है, स्पर्म बाहर आ जाता है, और भी तरह के जो सीक्रीशन है वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। यूरिथ्रा किसमें ओपन होती है, पीनिस में ओपन होती है। हम पीनिस के बारे में बात करते हैं। ये कैसा है ऑर्गन, एक सिलेंड्रिकल ऑर्गन है, यानी गोल है। ठीक है, सिलेंडर की जैसा। तो नॉर्मल कंडीशन में कैसा रहता है, स्मॉल रहता है, फ्लैसिड यानी नॉर्मल रहता है। इसका यूरिनेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है मेल और फीमेल के बीच तब भी इसका सीमन को डिलीवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फीमेल जेनिटल ऑर्गन के अंदर। तो ये हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में।